मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। उसके बाद राजनंदगांव में किसान सम्मेलन सभा में शामिल हुए। इसके बाद छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी कहे जाने वाले डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां माता बलमेश्वरी देवी की पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। और फिर सीएम चंद्रगिरी तीर्थ गए, जहां उन्होंने आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस बीच मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आचार्य विद्यासागर महाराज निर्वाण स्थल पर मैं आया हूं, मैंने अपनी अंतरांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आचार्य के निर्वाण पर हमने राजकीय शोक की घोषणा भी की थी। राजनांदगांव से नेमेश अग्रवाल की रिपोर्ट। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की निर्वाण स्थल पर मैं आया हूँ, मैंने अपनी आदरांजलि दी है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने तत्समय जब उनने शरीर छोड़ा था, हमने राष्ट्र अपना प्रदेश का शोक भी व्यक्त करवाया, मंत्री को भेजा था, श्रीमान चेतन कश्यप जी यहाँ आए थे, मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी। और वो तो वैसे जीते जी देव बने, तो उनका आशीर्वाद हम सब पे रहे, हमारे हाथ से सत्कर्म होता रहे, परमात्मा सब पे कृपा करे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और उनने जो मोक्ष मार्ग लिया है, ये मोक्ष मार्ग पूरे भारत का नहीं, दुनिया की मानवता संस्कृति का भला करे।